जय भोले की, जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की, जय भोले की। आपके क्यों गया दादा? आपके क्यों गया? आपके देखियो भाई, दादा का हाथ ऑपरेशन करवा रखा है। टूट गया? हाँ टूट गया। कहो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय शंकर भगवान। तो भाई हो चुके सुबह, हम उठ चुके सारे और आ रही है भाई बारिश, तेज़ आ रही है भाई बारिश। तो भाई सोचा था कि सुबह उठ के भाई हरकी पौड़ी जाएंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ सामान लेना है मार्केट से। तो भाई क्योंकि आज कावड़ उठानी है, तो भाई पहले चाय पीते हैं, मंगा रखी है, चाय पी के भाई वेट करते हैं बारिश रुकने का, फिर चलते हैं हरकी पौड़ी। गाइस भाई बारिश रुक चुकी है, अब हम आ चुके हैं हरकी पौड़ी जाने के लिए। भोले बाबा चमत्कार देखो भाई, जो कल तक सूखी नदी थी उसमें बाढ़ जैसा माहौल हो गया है। सबसे पहले देखी थी इस भाई साहब ने, मनु ससाड़ा सूखी नदी में बाढ़ लगवा दी। एक ही हो भाई मारा आशक में जाज बाड़क डट जा, कंपनी वाला के तांदे अंदर तो रहे। देख लो भाई गाड़ी बीच में खड़ी है भाई, क्योंकि बेरा सूखी नदी है, इतनी वो जाम तो होता नहीं। तो अब देखो भाई पानी बहुत ज्यादा आ गया था, गाड़ी हटान लग रहे हैं वाखड़ी। इस भाई यार की पौड़ी तो भाई कैंसिल कर दिया, भाई ने बोलिया 3-4 किलोमीटर हटता है, तो बोले लंबा पड़ता है वो, पहले हमारी ऐसे जो ही पड़ी है भाई, कावड़ भी उठाने तो इस मारी बालक रिस्क नहीं ले रहे। तो इस मारी भाई आप घाटा पे नहाओगे, फिर चलेंगे 1 बजे के आसपास चलेंगे अरकी पौड़ी, फिर क्योंकि 4 या 5 बजे जल उठाना है, तो इसलिए यहीं। बोल शंकर भगवान जय हो। भाई साहब को लाइन पूरी नहीं होने दे रहे, तो भाई घाट पे नहाऊंगे भाई, क्योंकि भाई को दिक्कत होगी इसके पतले घास इसके टांगा में नस पर नस और नस पर नस और नस पर नस चढ़गी। तो भाई ना घाट पे घाट और कोई दिक्कत नहीं, इसकी पेट पर नस चढ़ी है। तो गाइस हम भाई स्नान करके आए हैं, खाना खाने जा रहे थे, तो मिले हैं गोमुख से आए हुए बोले। तो भाई चलो उनसे बात करते हैं कि कैसा क्या है माहौल है, कितने किलोमीटर है। बोले कितना आयो, कहाँ जाओगे? फरीदाबाद। अच्छा कब तो कब उठाई थी कावड़? 9 तारीख को जल उठाया था। अच्छा कब तक पहुंच जाओगे? 25 लास्ट। अच्छा अच्छा, फिर पैर पूर सारे ओके? सब कैसा माहौल है पीछे? ठंडा ठंडा, तेज है जल? 3 डिग्री का तापमान, जल तेज है, जल गंगा जल। अच्छा अच्छा चलो। अच्छा अच्छा, कितना कितना पड़ता है, कितना पड़ता है यहाँ से? कावड़ उठानी थी, लेकिन हमारे साथ एक बोले का है, फीवर हो चुका है। हाँ भाई संदीपे। हाँ भाई। बता भाई क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, थोड़ी थकान है। बुखार है? सो नाटक हुआ है फिर कावड़े? अच्छा चलो भाई आराम कर ले थोड़ा, आज ही उठाओगे भाई। जय बाबा की, आराम कर ले भाई थोड़ा। तो भाई 2 घंटे सो गए फिर चल पड़े। हाँ जी सर, अब कैसी है तबीयत आपकी? बिल्कुल बढ़िया भाई। बोले की ना मेहरबानी कर दी, फिर दुखी करके राजी कर दिया। तो भाई तबीयत होगी ठीक भाई, बल्कि सारे गात से मैं दरकत हो रही है। तो भाई अब मार्केट में तो कुछ सामान ले गए, फिर 4 या 5 बजे से उठाऊंगे कावड़, क्योंकि भाई धूप में तो चलने मना करें सारे। तो देखते हैं क्या रेट है भाई, महंगाई बहुत हो रही है भाई, डबल हो रही है, क्योंकि भाई अगले आ गए हो तो टाइम हो मार्केट का। कावड़ लेने लग रहे अपनी, और पढ़ने और अपना टी शर्ट वगैरह ले ली, कावड़ लेना है जैसी भी जिद, तो अपना उठाएगा कावड़। तो भाई देखते हैं कौन सी कावड़ ले लो। ले लो भाई ले लो। देखो भाई संदीप भाई देखने लग रहा है, सही भाई कमेंट करके कीजिए कावड़ बात क्या बोले थे। कावड़ में हर एक चीज़ बढ़िया आ रहा है। लो भाई फाइनली हर की पौड़ी पा के भाई, और भाई देखो रस, देखो सारे कावड़ भाई, कोई कावड़ उठान लग रहा है भाई, कोई नहावे कल उठा होगा, कोई परसों उठा होगा, कोई घूमना रहा है। देख लो भाई शिव शंभू की माया। हाँ बोले कितना हो, कितने बनाने ला रहे हो भाई कावड़?
बुद्धि बनाने लग रहे हो कावड़? अच्छा, कब उठाओगे जल? जल कब उठाओगे? किस टाइम? अच्छा, कहाँ पे जाओगे? यूपी में? बागपत जिला से। कितना पड़ेगा यहाँ से? 306 160 यहाँ से। अच्छा, फिर कब तक पहुँचोगे? 25 अच्छा, चलो यात्रा मंगल में हो भाई। जा बोलेगी जय बोलेगी भाइयो, जय बोलेगी। तो भाई अर्की पौड़ी तो भाई जल उठा लिया सारे भैया ने। तो भाई गंगा मैया भोले बाबा में रख सब पे। टाइम हो रहा है शाम के 6:30 हो रहे हैं भाई, देखते हैं अब कम रुकेंगे। ओ, ये बोले जल ठान लाग रहे हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं। क्या लीटर जल है बोले? क्या लीटर जल है? कितना लीटर जल है? 40 लीटर। कौन सी कावड़ है? 40 लीटर की कावड़ उठाओ भाई। बोले कित के हो? बोले कहाँ के हो? सोनीपत में। कहाँ के? हरियाणा सोनीपत में। कितना है? अच्छा, मैं गुआने का हूँ, पहचान गई। चलो जय बोलेगी भाई, राम तीज जाइयो। हाँ भाई, वेदी ब्लॉग्स, राम तो जाइयो भाई। जय बोलेगी। तेरी बाट में हो गया बोले जोड़ा गात का, रतन देखने ना तरस गया यो छोरा जाट का। तेरी बाट में हो गया बोले जोड़ा गात का। देख लो भाई, गंगा आरती खातर लाइन लागन लागली, अब होगी बहुत तगड़ी आरती यार भाई, बहुत बड़ी आरती। कभी भाई हरिद्वार में आओ तो भाई गंगा आरती जरूर देखी। सैंडी भाई साहब, भोले भंडारी कहाँ है? आगे ही है। डर जाओ सिटियों, चलो भाई, चलो बोले, चलो बम बोले भाई। बाइक आउट लेते हो, टाइम मिले हैं भैया भाभी। तो भाई जय शंकर महाराज। नमस्कार, वापिस बोल दो एक बार। नमस्कार। जय भोले की, जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की, जय भोले की, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। इट्स नॉट डिफिकल्ट, सही। हर हर, हर हर महादेव, हर महादेव, जय शंकर। सर पे अपना एक्सपीरियंस बताएं। सर एक्सपीरियंस भाई दो मिनट तो जड़ा है भाई, इधर दो हमें बहुत तेज। अच्छा, लेकिन इसमें तो अब ठीक लगने लग गया, दो मिनट जड़ा है भाई, बाकी एक हफ्ते में उतर जाए भाई। इसमें टैटू का शौक हो भाई, वो बनवास का है ना, तो भाई को जरूरी है। हाँ जी सर, जलन हो रही है? वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं? ओके भाई, मैंने देख के। हाँ भाई बताओ भाई, जरूर बताओ। बोले और कौन सा छपो हम तो माँ का। हाँ भाई दर्द बता। कोई दर्द नहीं होगा। तो भाई उत्तराखंड पुलिस की सुरक्षा मच्छरों के लिए, कावड़ भाइयों के लिए, जो अपना रोड पर सोने वाले हैं उनके लिए मच्छर भगाओ अभियान चला हुआ है। धूमे में हम बादल में हैं, बादल में हैं हम। बाबा जय बोलेगी। जय बोलेगी। कहाँ जाओगे? कहाँ है ये? खुरखास्त है। राजस्थान में? अच्छा, राजस्थान में, राजस्थान में नहीं, और यूपी में ही। यूपी में? अच्छा, आज के क्यों गया दादा? हाथ के क्यों गए आपके? देखो भाई दादा का हाथ ऑपरेशन करवा रखा है, टूट गया। हाँ टूट गया। देख लो भाई दादा का हाथ, फिर भी हिम्मत नहीं मान रहे दादा। क्या बोलेगी दादा? बोले बाबा मेरे रखे।
देख लो भाई हिम्मत नहीं हार रहे, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भाई कभी भी। हिम्मत हार गया तो हाँ देख लो भाई दादा ही बात सही है, हिम्मत हार गया तो फिर जिंदगी में रह क्या गया यार, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन में नहीं हारनी चाहिए भाई हिम्मत। देख लो दादा की उम्र देख लो, बॉडी देख लो, हार्ट टूट रहा है वो देख लो, लेकिन फिर भी पैदल जाओगे और दूर जाओगे। हाँ पुलिया पर जाएंगे। है जी पुलिया पर जाएंगे। हाँ कितना है किलोमीटर दादा? ढाई सौ के करीब। अच्छा देख लो भाई 250 किलोमीटर जाएंगे दादा। तो भाई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भाई, दादा का कुछ सीखियो। तो बोलो ये है भाई कावड़ यात्रियों के लिए रास्ता, स्पेशल रास्ता है कावड़ यात्रियों के लिए, गंग नहर बोलते हैं भाई से, जो बड़ा ओम का निशान दिखता है भाई ये रहा वो। तो देख लो लोग आने लग रहे हैं। तो भाई जी है भाई गंग नहर का रास्ता। तो हमें मिले भाई एक छोटी सी प्यारी सी भोली, क्या नाम है गुड़िया? मज्जी। मज्जी कहाँ जाओगे? गाजियाबाद जाओगे? गाजियाबाद जाओगे? कावड़ लेके जा रहे हो आप भी? अच्छा हाँ जी। बड़े प्यारे हो आप तो। जय शिव शंभु। जय शिव शंभु। बोलो जय। जय बोलेगी। बोलो जय बोलेगी। जय बोलेगी। जय बोलेगी। बड़ी मासूम लड़की है भाई, बहुत प्यारी लड़की है। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I. बोलो पहला स्टॉपेज लिया है ज्वालापुर से निकल के, यहाँ से भाई 12 किलोमीटर के आसपास है हरिद्वार पहला, और शायद भाई आज का तो लास्ट ही है। अब आना खा के शायद कावड़ झुला के जोत बत्ती करके और सोएंगे ही, क्योंकि भाई रात का टाइम हो गया, 10:30 हो गए हैं, 10:30 के आसपास हो गए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या रहेगा, बाकी फिर खाना खाएंगे और सोएंगे। तो बोलो खाना खा लिया भाई, अब करे भाई सोने की तैयारी, क्योंकि 11:30 हो लिए, क्योंकि फिर सवेरे कावड़ भी उठानी है। कावड़िए भाई जाने लाग रहे हैं भाई, बड़े बड़े डीजे, और आपने डीजे देखा भी होगा, कावड़ भी देखी होगी। तो भाई अब करते सोने की तैयारी, मिलते हैं कल के व्लॉग में। जय शंकर भगवान, गुड नाइट, राम राम, सत श्री अकाल, मैं राखी बोले बाबा।